चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर भगवती कूष्मांडा की आराधना की जाती है। भगवती कूष्मांडा सिंह पर सवार है, उनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें उन्होंने नाना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका ध्यान करते हुए सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुत में बचय दद्याना हस्तपद्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में उनसे भगवती का आगछ वरदे देवी दैत गर्भ निखुल पूजा ग्रहण समुख नमस्ते शंकर प्रिय इससे भगवती कूष्मांडा का आवाहन करें, उनको धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें और विशेष रूप से जो षोडशोपचार पूजन करता है उनका आवाहन किया जाता है। उनको पाद अर्घ्य स्नान के लिए पंचामृत स्नान, फिर शुद्ध स्नान, फिर उसके बाद यज्ञोपवीत, फिर नाना परिमल द्रव्य, नाना प्रकार के नैवेद्यों का जो है भगवती को भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्र के अवसर पर क्योंकि भक्त जो है व्रत रखते हैं तो इसलिए भगवती को विशेष रूप से पंचमेवा और मिश्री का भोग लगाते हैं और अष्टमी के दिन अन्न का प्रसाद बनाकर हलवा प्रसाद और चने लगाकर भगवती को भोग लगाते हैं। तो भगवती कूष्मांडा के पूजन अर्चन करने के लिए विशेष रूप से कूष्मांड जिसको सफ़ेद पेठा कहते हैं उससे बने हुए मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं और कूष्मांड का नैवेद्य उनको अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा है कि भगवती कूष्मांडा की प्रार्थना करने से उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में जितने भी कालुष्य है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कालुष्य का हरण करने वाली भगवती कूष्मांडा हमारे जीवन से सारे क्लेशों का निवारण करती हैं और भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, उनके सबसे प्रकार से रक्षा करती हैं और साधना में सफलता प्रदान करती हैं। भगवती कूष्मांडा को विशेष रूप से कूष्मांड की बलि अर्पित की जाती है, इससे भगवती कूष्मांडा प्रसन्न होकर जीवन के संपूर्ण कालुष्य का हरण कर जीवन में सुख शांति प्रदान करती है।